ब्रेक, बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। आरजेडी के बिहार बंद के दौरान भागलपुर में ऑटो में तोड़फोड़ करने के मामले में पार्टी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साफ कहा था कि बंद बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन सूबे में जगह जगह हिंसा देखने को मिली। तेजस्वी यादव की शांति अपील जमीन पर उनके कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंची। सोशल मीडिया पर पूछे गए सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि बिहार बंद संबंधित पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जिला अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है। ऑटो रिक्शा वाले को चिन्हित कर पार्टी द्वारा उन्हें हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। औरंगाबाद में बंद की आड़ में उपद्रवियों द्वारा पुलिस पर पथराव के बाद शहर में व्याप्त तनाव पर फिलहाल विराम तो जरूर लग गया है, लेकिन उपद्रवी पुलिस के हटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि फिर से वो शहर के माहौल को बिगाड़ सकें और इसे अशांत बना सकें। अचानक हुई पत्थरबाजी से एक एएसआई समेत एक महिला पुलिसकर्मी और लगभग दर्जन भर लोग घायल हो गए। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है और पत्थरबाजी वाले सभी घरों की तलाशी ली जा रही है। तलाशी के दौरान लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धुंध के कारण पटना एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी रविवार की सुबह 1000 मीटर से नीचे चली गई। इसके कारण देर से विमानों की लैंडिंग शुरू हुई। पहला विमान सुबह 9:15 बजे उतरा और उसके बाद उनके देर होने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो देर रात तक जारी रहा। इस दौरान पटना से दिल्ली जाने वाला एयर इंडिया का विमान दिल्ली जाने के बजाय वाराणसी डायरेक्ट हो गया। शाम 7:32 पर यह फ्लाइट पटना से उड़ी थी। गढ़वा जिले के नगर उटारी थाना क्षेत्र के एक गांव से सटे जंगल से पुलिस ने 20 साल की युवती का शव बरामद किया है। बताया जाता है कि युवती बुधवार की सुबह बकरी चराने जंगल में गई थी। उसके बाद शाम को उसकी बकरियां तो वापस आ गईं, पर युवती अपने घर वापस नहीं आई। तब से उसके माता पिता उसे खोजते रहे। शनिवार को उसका शव जंगल में पड़ा हुआ ग्रामीणों को मिला। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया। परिजनों ने लड़की के साथ रेप की आशंका जताई है। शेखपुरा जिले के जयराम थाना में एक युवक के अपहरण के मामले में ग्रामीणों ने थाना पर जमकर पथराव किया, जिसमें अनुमंडल अधिकारी राकेश कुमार का वाहन और अग्निशमन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और जयरामपुर थाना भवन को काफी नुकसान हुआ। थाने पर पथराव करने वाले ग्रामीण पकड़े गए और आरोपी युवक को अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे। बता दें कि इस मामले में जहां गांव के ही रंजन कुमार के अपहरण की बात सामने आ रही है, तो वहीं इस मामले में रंजन कुमार के ही दोस्त कन्हैया कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।